हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से मैं अपनी इस यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी इंस्पायर में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल। जी हां दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या है और इसके पीछे कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। जहाँ एक तरफ लोग पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमत को लेकर काफ़ी परेशान हैं, वहीं इन वाहनों से निकलने वाले धुएँ से लोगों का जीवन संकटमय होता जा रहा है। हालांकि प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए सरकार अब BS6 वाहनों को प्राथमिकता दे रही है। इसके साथ ही देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। यहां तक कि देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर मुफ्त रजिस्ट्रेशन, बीमा के साथ और कई प्रकार की छूट दी जा रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या है और भारत जैसे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमत के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो बिना देरी करे चलिए शुरू करते हैं। वह वाहन जो इलेक्ट्रिक मोटर्स के द्वारा संचालित होते हैं उन्हें ही इलेक्ट्रिक व्हीकल कहते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल में प्रयुक्त होने वाली मोटर को ऊर्जा बैटरी द्वारा प्राप्त होती है, अर्थात इन्हें चलने के लिए किसी प्रकार के ईंधन की आवश्यकता नहीं होती। इलेक्ट्रिक वाहनों की सबसे खास बात यह होती है कि यह ईंधन यानी कि पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहनों की अपेक्षा प्रदूषण बहुत कम करते हैं। इससे सबसे ज़्यादा लाभ यह होगा कि दुनिया के अन्य देशों से आयात किए गए जाने वाले ईंधन पर निर्भरता कम होगी, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनने में काफ़ी मदद मिलेगी। अब बात करते हैं कि भारत देश में इलेक्ट्रिक वाहन लाने के लिए सरकार क्या कर रही है। तो मैं आप सबको यह बात बता दूं कि भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक ऑटोमोबाइल सेक्टर में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री 30% तक ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यहाँ तक कि लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी देने की योजना बनाई गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, कोई भी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर या फोर व्हीलर वाहनों को खरीदने के पश्चात आपको किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन शुल्क भी नहीं देना होगा। और तो और GST के मामले में भी सरकार ने काफ़ी ज़्यादा छूट दी है, जो कि 12% से हटाकर 5% कर दी गई है। और अगर इसके कीमत की बात करें तो हाल ही कुछ सालों में भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्रति लोगों की रुचि काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। यही कारण है कि भारत में कई कंपनियों ने अपनी इलेक्ट्रिक कारों को लॉन्च करना शुरू कर दिया है, जैसे टाटा, महिंद्रा, हुंडई। देश में पिछले कुछ वर्षों में कई इलेक्ट्रिक कारें लॉन्च हुई है और इस वर्ष अर्थात 2022 में भी कई इलेक्ट्रिक कारों की एंट्री होने की संभावना है। इसमें स्मार्ट रेंज और लॉन्ग रेंज की कारें शामिल है और वहीं इनकी कीमत 2 व्हीलर में 1.5 लाख से 4 लाख तक और 4 व्हीलर में 13 लाख से 50 लाख तक की है। इसमें बैटरी 100 किलोमीटर से 150 किलोमीटर तक एक बार के चार्ज पर चलती है, वो भी बिना किसी ईंधन के इस्तेमाल के। इलेक्ट्रिक कार्स की बैटरीज को चार्ज करने के लिए सोलर पैनल का इस्तेमाल करने वाली टेक्नोलॉजी पर भी जोर दिया जा रहा है। अगर सोलर पैनल कैसे काम करता है जानना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आशा करता हूं कि आज की इस वीडियो इलेक्ट्रिक व्हीकल में आप सभी ने अच्छे से जाना कि इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या है और ये कैसे काम करता है, भारत में इसकी कितनी मांग है। अगर ऐसे ही टेक्नोलॉजी से जुड़ी अपडेट देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि टेक्नोलॉजी से जुड़ी किसी भी अपडेट को आप मिस न कर दें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।